पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किए हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। हमारी जो है और साथ में एक मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई है कि एक न्यूज़ चैनल है, शी न्यूज़ चैनल, उसमें एक कश्मीरी ने कहा हुआ है हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, उसको अरेस्ट किया जाए और उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद से कहलाया जाए। नारे लगाने वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब जाके विनय शर्मा जी हमें रोक रहे हैं और हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज किया। हमारी गलती क्या है? हम देशभक्त होना गलत है क्या? देशभक्त मुक्त करके वहाँ ले जा रहे हो, शिफ्ट किया जा रहा है, क्या भारत माता की जा करने पूरा महीना बंद करना पड़े, नुकसान हमारा है लेकिन हम करके रहेंगे, जस्टिस लेके रहेंगे। ये बात उन्होंने इन पे पथराव किया। मैं महबूबा मुफ्ती को बताना चाहता हूँ कि जो पथराव की तहसीब है वो जम्मू की नहीं है, वो कश्मीर की तहसीब है और अपनी तहसीब टनल के पास नहीं रही। जम्मू तरक्की पे बढ़ रहा है, ये तरक्की इनसे पच नहीं रही। यहाँ पे भी इनको वही करना है जो उन्होंने कश्मीर में किया, जम्मू की बर्बादी। सिक्योरिटी आप क्यों नहीं आ रहे? हम बिना सिक्योरिटी के खड़े हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है और हमें जाके पुलिस वाले बोल रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करो। हमने क्या किसी को जख्मी किया? कल जब उन्होंने पत्थर चलाए तो उमर अब्दुल्ला जी लिखते हैं कि उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जम्मू के लड़कों ने उनको मारा है। सर ये कहाँ का इंसाफ है? अगर उन्हें एयरलिफ्ट जाना था तो अपने पैसे खर्च करें, यहाँ पे दंगे करने की क्या जरूरत थी? हम भी जाते हैं यात्राओं में, हमने क्या कभी उनसे पैसे मांगे? हमने क्या गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए? क्या यहाँ पर जम्मू का युवा ही खड़ा होगा? कहाँ मिनिस्टर जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है? हमें जस्टिस चाहिए। हिंदुस्तान Yeah!
इशू ना तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था ना तो पुलिस के साथ था, लेकिन हमारा पर्सनल इशू इसके साथ है कि पुलिस ऑफिशियल्स ने लाठी चार्ज किया तो क्यों किया? कभी वहां जा रहे हो कभी वहां जा रहे हो, अभी हम एक जगह में बैठेंगे, प्लीज एक जगह लोग।